का मुस्लिम बहुल इलाका शाहीन बाग बीते डेढ़ महीने से नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जाना जाने लगा है। दिल्ली चुनाव में राजनेताओं की शाहीन बाग को लेकर राजनीति लगातार जारी है। अब इस कहानी में एक नया पहलू सामने आया है। आपको बता दें कि शाहीन बाग व जामिया कैंपस में प्रदर्शन स्थल के नज़दीक हुई गोली चलने की वारदात के बाद प्रदर्शनकारियों को मतदान से पहले हिंसा होने की आशंका है, इसलिए सोशल मीडिया पर लोगों से 7 फरवरी तक बड़ी संख्या में शाहीन बाग पहुंचने की अपील की गई है। शाहीन बाग से जारी पोस्टर के बाद रात के वक्त प्रदर्शन स्थल पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला बढ़ गया है। पोस्टर में यह कहा गया है कि कुछ दिन में हुई हिंसा के बावजूद हम मजबूती से खड़े हैं। दिल्ली चुनाव के नज़दीक आते ही हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक राजनीति करने वालों के निशाने पर है। इससे हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ गया है। रात के समय यह खतरा सबसे अधिक होता है, इसलिए हम दिल्ली के बहादुर लोगों से अपील करते हैं कि रात में हमारे साथ रुके। अंत में यह भी कहा गया कि 4 से 7 फरवरी के बीच सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक अराजक तत्वों से प्रदर्शन को बचाने के लिए बड़ी संख्या में आए।